ध्यामर डिवीजन में पाक फौज की ताउन से कोरोना टेस्ट के लिए पीसीआर लैब का क्याम अमल में लाया गया। रीजनल अस्पताल चिलास में पाक फौज की ताउन से सूबाई हुकूमत ने जदीद सहूलियात से आरास्ता पहला कोरोना लैब कायम कर दिया है। कोरोना लेबॉरेटरी आज से फंक्शनल होगी। गिलगित बल्तिस्तान के गेटवे पर कायम इस कोरोना लैब से कोरोना वायरस की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी। अवाम के मुतालबे पर 20 दिनों के अंदर कायम किया गया यह टेस्ट लेबॉरेटरी से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुस्तफीद होंगे। डायरेक्टर हेल्थ द्यामर डिवीजन रशीद अहमद ने कहा कि रीजनल अस्पताल चिलास में कायम कोरोना लैब में रोजाना 60 से 70 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट की गुंजाइश मौजूद है। घर की दहलीज पर कायम किया गया ये कोरोना लेबॉरेटरी से लोगों की मुश्किल में आसानी होगी। कल से ये लेबॉरेटरी इंशाल्लाह बाकायदा काम शुरू करेगी। यहाँ द्यामर अस्पताल के मरीजों के कोरोना वायरस के मरीजों का टेस्ट किया जाएगा। इस लेबॉरेटरी में वैसे तो हम 50 से 70 तक टेस्ट डेली कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने सैंपल्स आते हैं अस्तोर से द्यामर से। उन सैंपलों को हम प्रोसेस करके इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर इनके रिपोर्ट्स हम जारी कर सकते हैं। रीजनल अस्पताल चिलास में कोरोना लैब का बरवक्त क्याम अमल में लाने पर द्यामर के आवाम ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उमर फारूक फारूकी, चिलास, द्यामर।